हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक दुबला पतला शरीर किसी को देखने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में कम हुए वजन की वजह से शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वजन को बढ़ाने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप एक महीने के अंदर 10 किलो तक वजन बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी खाद्य पदार्थ वाली चीज़ें होती हैं जो आप नियमित रूप से इस्तेमाल करोगे तो आपका वजन अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वजन को बढ़ाने के तरीकों के बारे में। सबसे पहला तरीका होता है कैलोरीज का अधिक मात्रा में सेवन करना। आपको उन खाने की इस्तेमाल करना चाहिए जिनके अंदर अधिक मात्रा में कैलोरी है। यदि दोस्तों आप नियमित रूप से अधिक मात्रा में कैलोरीज का सेवन करते हैं तो आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। एक सामान्य मनुष्य के लिए 2000 कैलोरी खाना खाना आवश्यक होता है। प्रतिदिन के तौर पर अगर वो रोजाना 250 कैलोरी बढ़ाता है तो एक सप्ताह के अंदर उसका 3 किलो वजन बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों आप अधिक कैलोरी वाले खाने को खाएं, यह आपके वजन को बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा तरीका होता है अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना। दोस्तों, अगर आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन का सेवन करने के लिए आपको मीट, मछली, अंडे या कई प्रकार के डेयरी उत्पाद, फलियां, नट्स, इन सभी चीज़ों को अपने आहार के अंदर शामिल करना है। यह आपकी बॉडी के अंदर मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे क्योंकि इनके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। दोस्तों, एक महीने के अंदर 10 किलो वजन को बढ़ाने के लिए आपको कार्ब्स और फैट का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग वजन कम करने की कोशिश करते हैं उन्हें कार्ब या वसा के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहता है। अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कार्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही साथ आपको फैट वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रत्येक भोजन के लिए आपको प्रोटीन, वसा और कार्ब से भरपूर भोजन इस्तेमाल करना चाहिए। यह आपको एक महीने के अंदर आपके 10 किलो वजन तक को बढ़ा देगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने वजन को बढ़ाने के लिए ऊर्जायुक्त फूड जैसे कि सॉस, मसाले, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जंक फूड का सेवन करने से आपको कम कैलोरी प्राप्त होती है। एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रूट्स और सॉस मसाले का उत्पाद किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप उन खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिनसे आपकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ऊर्जा मिले। आप नट्स का इस्तेमाल करें, अखरोट का इस्तेमाल करें, बादाम, पिस्ता, अंगूर, अंजीर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। यह आपके वजन को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको नॉर्मल रूप से किशमिश का इस्तेमाल करना है। आप बादाम, अखरोट का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ आप चना का इस्तेमाल करें। आप भीगे हुए चने खाएं, यह आपके वजन को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप आलू का इस्तेमाल करें, यह आपके वजन को बढ़ाता है। डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करके भी आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। एवोकाडो का इस्तेमाल करके, पीनट्स बटर का इस्तेमाल करके, नारियल का दूध, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको अपने शारीरिक ताकत का भी ध्यान रखना है। आप रोजाना के तौर पर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, आपका शरीर मजबूत बनता है और आपका वजन भी अच्छी तरह से बढ़ जाता है। दोस्तों, आप चाहें तो प्रोटीन शेक का इस्तेमाल करके भी अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जब कभी भी आप प्रोटीन शेक का इस्तेमाल करें तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, कैफीन का इस्तेमाल ना करें, जो भी नशा वाली चीज़ें हैं उनसे आपको दूर रहें। फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। दोस्तों, हमारे यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।